What's up everybody? Assalamualaikum. Hope you're doing okay. यार कुछ अरसे पहले, शायद डेढ़ या दो महीने पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक मेल टाइम की वीडियो. इसमें मुझे बहुत सारा डाक आता है, बहुत सारे पैकेजेस आते हैं, और मैं पैकेजेस खोल के आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे पास आई हैं और किन किन चीज़ों का मैं रिव्यू करने वाला हूँ. तो आई थिंक डेढ़ या दो महीने पहले मेरे पास मोमोसो नाम की एक ब्रांड का एक बहुत बड़ा पैकेज आया था, जिसमें उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स थी, और उन प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स थी वो स्किन केयर रिलेटेड थी. और आपको पता है कि आपका भाई आप सबके लिए स्किन केयर को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और मैं कितनी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ स्किन केयर के ऊपर. उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि इन प्रोडक्ट्स को पहले मैं इस्तेमाल करूंगा डेढ़ दो महीने, उसके बाद ही रिव्यू करूंगा. इफ एंड इफ आई डोंट लाइक देम आई एम नॉट गोइंग टू रिव्यू देम एंड आई रियली रियली लाइक देम. तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 मोमोसो की प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा जिससे आप घर बैठे अपनी स्किन बेहतरीन कर सकते हैं. तो लेट्स गेट राइट इनटू इट एंड ब्रिंग द फर्स्ट प्रोडक्ट. भैया सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो मुझे प्रोडक्ट लगा इस पूरी रेंज के अंदर वो है मोमोसो का ये पिंपल पैच. और अगर जिंदगी में आपने कभी पहले पिंपल पैच इस्तेमाल नहीं किया तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है. पहली बात तो ये, खैर इसमें आई थिंक ज़्यादा प्रोडक्ट बचे नहीं है क्योंकि मैं सारा जो है खा गया हूँ. ये छोटे से स्पॉट्स होते हैं, और जब भी आपके कहीं पिंपल होता है इस स्पॉट को आप उसके ऊपर लगाते हैं. इसके अंदर थोड़ी सी मेडिकेशन होती है, और ये बेसिकली पिंपल को दबा के बिल्कुल ख़त्म कर देता है. अब आप लोग जानते हैं कि मैं कैप्स बहुत ज़्यादा पहनता हूँ, और कैप्स की वजह से मेरे जो टेम्पल्स हैं, जो साइड्स हैं, यहाँ पर काफ़ी एक्ने हो जाती है, अक्सर काफ़ी मोटे मोटे दाने हो जाते हैं. मोमोसो के जो ये पिंपल पैचेज हैं भाई, इन्होंने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी. आई एब्सोल्युटली लव देम. ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं तो मैं प्रॉब्ली एक डब्बा और मंगाऊंगा. बट इन केस आपके पिंपल्स हैं और सिंगुलर पिंपल्स हैं, अकेले अकेले हैं, जो बहुत बड़े बड़े हैं, उसके ऊपर आप ये पैचेस लगा के अपने पिंपल्स को बहुत हद तक ख़त्म कर सकते हैं. तो पहली प्रोडक्ट तो हो गई पिंपल पैच. दूसरी और इंतहाई ज़रूरी चीज़ जो हम सबके स्किन केयर रूटीन के अंदर होनी चाहिए, भले आप लड़के हों या आप लड़की हों, वो है ये ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप. और अगर आपने ब्लैक हेड रिमूवल स्ट्रिप आज तक इस्तेमाल नहीं करी तो भी मैं इसका सीन बता देता हूँ. ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं ऐसी, आप अपनी नाक के ऊपर पानी लगाते हैं और स्ट्रिप को ऐसे चिपका लेते हैं, थोड़ी देर लगा रहने देते हैं, और ये आपके जो ब्लैक हेड या वाइट हेड्स होते हैं या आपके जो पोर्स होते हैं उसमें जितना भी गंद होता है ये उसको चिपका के जो है पकड़ लेती है. फिर आप इसको जब उखाड़ते हैं तो बड़े सेटिस्फाइंग तरीके से आपकी नाक का जो सारा गंद है वो इसके साथ चिपक कर आ जाता है. ये बहुत बहुत कारामद चीज़ है. एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय समथिंग टू क्लीन योर नोज, बाय अ पिंपल पैच लाइक दिस. सॉरी नॉट पिंपल पैच, आई मीन नो स्ट्रिप, बाय नो स्ट्रिप लाइक दिस. तीसरी जो मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी मोमोसो की तरफ से वो है ये आई क्रीम. और इसको मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ, इसकी पैकेजिंग बड़ी ज़बरदस्त है. तो आपको लग रहा होगा शायद मैंने अभी तक खोला नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है, मैं इसको खोल चुका हूँ, इस्तेमाल भी कर चुका हूँ. ये इस तरीके की एक ट्यूब होती है, इसके आगे कुछ अदद रोलर्स लगे हुए हैं. इसको आप ऐसे अपनी आइस के ऊपर रोल करते हैं, आइस के मतलब अंदर नहीं बट बाहर के जो एरियाज होते हैं, और आपकी जो झाइयाँ होती हैं या आपकी जो है वो डार्क सर्कल्स होते हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करती है. और आपको पता है कि मुझे डार्क सर्कल्स का बहुत मसला, खैर मेरे जेनेटिक डार्क सर्कल्स हैं, किसी भी स्किन डिसऑर्डर की वजह से मेरे जो है डार्क सर्कल्स नहीं है, बट ये अक्सर डीप हो जाते हैं, ये अक्सर थोड़े से भर जाते हैं, और इस एलोवेरा आई क्रीम की वजह से मेरे डार्क सर्कल्स पे बहुत 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 ज़्यादा फर्क पड़ा है. तो अगर आप यू नो डार्क सर्कल्स से या आईज़ के अराउंड जो क्रोस फीट होते हैं या छाइयाँ होती हैं या खिंच जाती है स्किन, उससे सफ़र करते हैं, मोमोसो की ये आई क्रीम आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगी. और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट आया तो मुझे जो है वो इसको बेचना है. मैंने जेन्युइनली ये सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करी हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स में से ये 5 प्रोडक्ट्स बेहतरीन प्रोडक्ट्स निकाल के मैं इसलिए बता रहा हूँ इनके बारे में क्योंकि मुझे इनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. उसके बाद भैया इनकी जो चौथी प्रोडक्ट है वो है ये एलोवेरा क्रीम. और ये बेसिकली आपकी स्किन को बेहतर करने के लिए, वाइटनिंग में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट इस तरीके की जितनी भी क्रीम्स होती हैं वो बोस्ट करती हैं कि आपकी स्किन को वाइटन करेंगी, हेल्दी करेंगी, बेहतर करेंगी, नरिश करेंगी, मॉइस्चराइज करेंगी. एंड आई फील कि एलोवेरा के अंदर बहुत सारी ऐसी जो है वो क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से जिस भी क्रीम के अंदर एलोवेरा होता है उस क्रीम से आपकी स्किन ओवरऑल काफ़ी बेहतर हो जाती है. तो ये जनरल क्रीम के लिए आई फील कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है. और यार मोमोसो की स्किन केयर की जो रेंज है उसके अंदर 5वीं और एक और बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये एक्सफोलिएटिंग जेल. अब आप पहले तो इसकी पैकेजिंग देख लें, बहुत ज़बरदस्त है. ग्रीन्स का इन लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया हुआ, आई फील लाइक जो एक बड़ा कूल किस्म का जो है एक टच दिया अपनी पैकेजिंग के अंदर. एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी वेरी ग्रीन. अब एक्सफोलिएटिंग जेल बेसिकली क्या होता है, एक्सफोलिएटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जो एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है, जो डेड सेल्स होते हैं, जो भी एक्सफोलिएटिंग की प्रोडक्ट होती है वो आपकी स्किन से वो डेड सेल्स जो हैं या डेड स्किन जो है, जो डर्ट जमा हो जाती है उसको हटा देती है.
तो इसका इस्तेमाल बेसिकली होता है कि इसको आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, रब करते रहते हैं और ये ऐसा ऐसा सारे मैल को विजिबली, यू नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बातें हो रही हैं, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बाकायदा अपने स्किन के ऊपर से मैल उतरता हुआ फील होता है। एंड आई फील कि बहुत सारे हमारे यहाँ पे मर्द हजरात हैं जो बहुत काहली से अपने मुंह धोते हैं। आई नो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी इस जमाने में बहुत काहली दिखाता था अपना मुंह धोने के अंदर। तो ये प्रोडक्ट जब आप अपनी स्किन के ऊपर लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि आपकी चेहरे के ऊपर कितना मैल था और कितने अरसे से जमा था। तो मेरे लिए आई फील कि ये प्रोडक्ट बहुत बहुत ज़्यादा करामत और इफ़ेक्टिव साबित हुआ है और इन पांच चीज़ों को मिला के मैंने अपना बहुत बेहतरीन किस्म का स्किन केयर रूटीन बनाया, जिसकी वजह से आपके भाई के चेहरे पे इतना ग्लो है, इतना नूर है, इतनी रोशनी है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अक्सर ख़वातीन पूछती हैं आपकी स्किन का राज क्या है, आपके भाई की स्किन का जो राज है वो बेहतरीन स्किन केयर रेजिमेन है। मतलब मेरा जो प्लान है ना स्किन केयर का, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, मैं चेंज अप भी करता रहता हूँ और मैं मुस्तकिल बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स जो है अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें से कोई भी प्रोडक्ट या और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें कोई इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि वो आप उसको यूज़ करें, तो मोमोसो की वेबसाइट मैंने नीचे लिंक में दे दिए, यू कैन गो चेक दम आउट। दे ऑल्सो हैव आउटलेट्स इन कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर। तो आई थिंक जब ये लॉकडाउन वगैरह सब खुल जाएगा तो आप आउटलेट्स भी जाकर जो है विजिट कर सकते हैं। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। दिस इज मी रामेश्वर साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।